आज हमारे पास 91 कंपनी का इलेक्ट्रिक साइकिल आया है। हम आपको फिटिंग करके इस वीडियो में दिखाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रैपिंग निकालेंगे। रैपिंग निकल चुका है। अब इसके बाद इसके साथ आता है एक चार्जर। और एक केबल इसके साथ बोर्ड में प्लग करने के लिए। फिर रिफ्लेक्टर आता है, पैडल और सीट आता है। सबसे पहले पैडल फिट करेंगे। ये लेफ्ट का है तो लेफ्ट का हम फिट कर लेंगे, इजीली फिट हो जाएगा। सीधा करके फिट करेंगे तो। फिर इसके बाद पानी की सहायता से हम इसको टाइट करेंगे। हल्के यहां से टाइट करेंगे। फिर इसके बाद हम ऐसे ही राइट का भी पैडल फिट करेंगे। ये राइट का है, राइट का फिट करेंगे। अब हम व्हील बैठा लेंगे। व्हील बैठाने से पहले देखेंगे डग तो नहीं है, और कंपनी कभी कभी ज़्यादा टाइट करके दे देती है एक्सल। फिलहाल हमारा जो एक्सल है फ्री है, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम फिट कर लेंगे इसको। अगर आपका डिस जो है लूज रहेगा तो इजीली व्हील बैठ जाएगा। हमारा पहले से ही लूज है, फिर भी हम लूज करके आपको दिखा देते हैं। लूज कर लेंगे। हाँ, फिर इसके बाद क्विक रिलीज जो आता है उसको पहले नट को हम टाइट कर लेंगे, जो इतना प्ले है इसमें। टाइट करने के बाद हम इसको लॉक कर देंगे सेंटर लेके। टायर का बीच में रहना चाहिए व्हील, फिर हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक हो गया, हमारा व्हील बैठ गया है प्रॉपर। हमारा व्हील अब फिट हो गया है। अब हम हैंडल फिट करेंगे। 4 mm की एलंकी लगती है, इसके माध्यम से हम हैंडल को फिट करेंगे और हम ऐसे स्क्रू को निकाल लेंगे। नट को एलंकी की सहायता से चारों चौथा नट इसको भी खोल लेंगे। अब हम हैंडल उठाएंगे और वायर जो है अच्छे से कर लेंगे, जो जहां पे है, और हैंडल ऐसे लगा देंगे। दोनों साइड जो गैप बचता है हैंडल मुड़ने के बाद, उसके बीच में रखना है हमें सेंटर पे। स्क्रू लगाएंगे। अब नीचे लगाएंगे, नीचे की साइड। ऐसे ही हम चारों स्क्रू लगा लेंगे। फुल टाइट नहीं करेंगे,
थोड़ा सा ही टाइट करेंगे और उसको सेंटर में लेंगे हैंडल को। चारों नट बराबर टाइट करेंगे थोड़ा थोड़ा। अब हैंडल सेंटर पे ले लेंगे प्रॉपर। एकदम सेंटर पे होना चाहिए हैंडल। इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे। अब हम चारों नट बराबर अच्छी तरह से टाइट करेंगे दोनों साइड। दोनों साइड बराबर ही टाइट करिएगा। अच्छे से टाइट कर लेंगे दोनों साइड। दोनों साइड उतना ही गैप रहना चाहिए। अब दोनों प्रॉपर ऊपर का टाइट करेंगे और दोनों नीचे का। हमारा हैंडल टाइट हो गया है। अब हम सीट को टाइट करेंगे। सीट में प्लेस को सेंटर में लेंगे। 15 नंबर पाने से हम इसको टाइट करेंगे। अच्छे से टाइट करेंगे। दूसरी साइड भी ऐसे टाइट करेंगे। अब हम हैंडल का सेंटर लेंगे। जो पीछे दो नट है इसको थोड़ा लूज करके हम सेंटर लेकर फिर टाइट करेंगे। हमारा पहले से ही लूज है। अब हम इस हैंडल का सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद अब इसको हम टाइट करेंगे। अब दूसरी साइड का टाइट करेंगे। हैंडल हमारा टाइट हो गया है। अब इसके बाद हम इसको इसमें प्लग करेंगे। ये है हमारा कंट्रोलर। सेंटर पे लेके इसको दाब देंगे ये बैठ जाएगा एरो के निशान पे। अब इसके बाद हम क्लच को सेट करेंगे अपने हिसाब से। हमें ऊपर चाहिए कि डाउन चाहिए। हमें डाउन चाहिए तो हम डाउन करेंगे 5 mm की सहायता से टाइट कर देंगे। अब ऐसे हम दूसरी तरफ भी करेंगे। स्क्रू ड्राइवर से पहले हम शिफ्टर को लूज करेंगे और ये हमारा पहले से लूज है जहाँ पे चाबी लगती है। पेचिए के सहायता से इसको हम लूज कर लेंगे। अब हम क्लच को ऊपर ले लेंगे। क्लच हमारा डाउन है अपने हिसाब से हम ले लेंगे। अब इसको हम टाइट कर देंगे।
अब शिफ्टर को हम पेचिए की सहायता से टाइट करेंगे। टाइट हो गया। दोनों साइड अब हम इसको टाइट करेंगे एलंकी की सहायता से। 3 mm का एलंकी है। अब इसको हम सेंटर पे लेके जैसा मुझे रखना है मैं अपने हिसाब से रखूंगा इसको सेंटर पे लेके इसको टाइट कर देंगे। और ये हमारा टाइट हो गया। ये रहा हमारा साइकिल 700 cc। इसमें कंट्रोल करने के लिए प्लस और माइनस का भी बटन दिया है और वो बैटरी का है। इसको प्रेस करके रखेंगे तो ऑन हो जाएगा। बैटरी 3 खूंटी है और इससे हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। 5 स्पीड इसमें दिया है और एक क्लिक में बंद हो जाता है। और इधर गियर है 7 स्पीड का, इससे डाउन होगा। इसमें की आता है, ऑफ कर देंगे तो चलेगा नहीं। तो उसके बाद की डाल के हम ऑन कर देंगे इसको। इस साइकिल में आगे डिस आता है डिस्क ब्रेक और पीछे भी डिस्क ब्रेक आता है। सेवन स्पीड गियर आता है सिमानो का, आगे सिंगल स्पीड है। हमारा साइकिल अब कंप्लीट हो गया है। साइकिल चला के हम आपको दिखाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।